वो दमयंती भी अपने पति की तलाश में आगे बढ़ती। दमयंती आगे बढ़ी तो भीलों से सामना हो जाता है। भील ने कहा उसका रूप देख के मोहित हो जाता है। जिस नी तो उसी बात कर आदमी कि तेरी शान उजली गात उघाड़ा तू कित्ता आई से बियाबान में फिर भ्रमती तू किसी लोग आई से। बताते हैं अपने तप से दमयंती ने भील को नष्ट कर दिया। थोड़ी सी आगे बढ़ी तो बाबा हरिहर जैसे संत मिल जाते हैं। और जब संत की नजर पड़ी, संत ने एक आवाज लगाई और संत ने कहा कि बेटी लोगो, जब बेटा बेटी शब्द मुंह तक किसी का लगड़ जा तुम्हारा विश्वास हो जाता कि यह आदमी ठीक पाओगा। बताते बाबा जी का नहीं देख के और दमयंती की आंखें आंसू आ गए। आए बेटी तू कौन है, कहां से आई, तेरा दर्द बता, किस लिए बियाबान में। बाबा जी दमयंती से एक भजन के माध्यम से सवाल करते हैं कि बेटी कौन है तू, कड़त आई है। देखना संतों के सवाल क्या होते हैं और क्या समझाने की कोशिश करते हैं संत, क्या कहा और क्या बताएं। हे बेटी मेरी एक बात सुन, और क्या कहते हैं बाबा जी, एरी तेरा गात उघाड़ा जंगल में किस डाल एकली खड़ी बता, और भेद खोलना चाहिए बेटी कौन मुसीबत पड़ी बता, तेरा गात उघाड़ा जंगल में किस डारे गली खड़ी बता, भेद खोलना चाहिए बेटी कौन मुसीबत पड़ी बता, तेरी वीर की जात है और वीर की जात का वो जबो जबेरी हो। हे बेटी वीरबानी घर तलकड़ जाओ, कारण कोई भी हो, चाहे सान्य उल्टी आ जाओ, दुनिया सो आलम लाया करे, हर मर्द चाहे कितने दिन में उल्टा हो कोई किम्मे नहीं कवे। समझाने की कोशिश करते हैं बाबा जी, हे बेटी मेरी बात सुन गौर से, क्या कहा दादा लक्ष्मीचंद ने, क्या बताएं। मेरे बहुत ही आदरणीय बड़े रागनी प्रेमी मेरे भाई राकेश जी दूध गांव से, फौजी साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद। कया कर से एक जगह, कया कर से एक जगह पत्थर की कीमत भारी, और घर घर में ना फिरना चाहिए वो ठीक ठिकाने यारी, करते लकड़िया पछे कीमत कटिया कर से सारी, और के घर क्या ने चुलम करे पटाके खारी, पागलपन में लकड़ी से, पागलपन में लकड़ी से ये शासन न कोई, नकल में सिधारे तुम्हारी बता, भेद खोलना चाहिए बेटी कौन मुसीबत पड़ी बता, No!
मुने ईसा लग गए है किसान क्या कहते हैं के इंद्राणी के इंद्राणी खुद इंद्र ने के इंद्राणी खुद इंद्र ने ए छोड़ चली आई तू और के माया से सत्य लोक की सैल करण ने त्याई तू और के चौकस है पार्वती शिव जी न लड़के ताई तू किसे देवकी कन्या से किस डाल भूल की राही तू कौन सी करनी जाएगी क्यों करे कौन सी करनी जाएगी क्यों करे या आदि खोटी गई बता जंगल में किस धारे तू देखनी बता नींद खोलना चाहिए बेटी और मुसीबत पड़ी बता दादू भारत जंगल में के रास्ता आए मनीषा लग गए किसान क्या कहते हैं राजा की रानी से के राजा की रानी से अरे तू पतिव्रता नार सती के हरि कीर्तन करती डोले तू पतिव्रता पूर्ण सती जंगल के माँ क्यों कर आदि कामदेव की नारती पागल पण में आई से तेरी चुकर वाली मूड मती क्या कोई चीज तेरे मन की थी क्या कोई चीज तेरे मन की थी जो दुश्मन ने ली हड़ी बता जंगल में चलाए पूरी घड़ी बता बोला रही है बेटी और मुसीबत बड़ी बता चौथी कली कह लक्ष्मी चंद चौथी कली में ब्रह्म ज्ञान के तोड़ पड़े आखिरी कली में हे बेटी तेरा जंगल में गुजारा नहीं होगा बाबा जी क्या करूं लोगों गौर करना कोई आदमी अपने गांव न छोड़कर 10-15 साल दूसरे गांव में रहने लग जाए ईसा लगा जन वो गांव उससे का है इतना प्रेम हो जाता है हे बेटी जंगल में बहुत जाबो जाबेरी हो तू नगरी में चली जा तेरा गुजारा हो जाएगा आखिरी कली में दादा लक्ष्मीचंद ने और देखना रागनियां गाई जाती हैं
गौर करना मीठा मीठा भाई, पहले हम भी नुए गाया करते। जब रागनी गाई जाती है तो कवि के नाम का आगे मेरे जैसे गाने वाले श्री शब्द लगाते हैं, श्री श्री लक्ष्मीचंद श्री मांगेराम जी, श्री शब्द कभी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो भाव जो लिखे हैं कविता में वो खुद कवि ने लिखे हैं और खुद इंसान अपने आप का आगे श्री कभी नहीं लगाता। उस टाइम बोल रहा तो लक्ष्मीचंद बोल रहा है, ना कि श्री लक्ष्मीचंद, क्योंकि अपने से बड़ा, अपने को भगवान से बड़ा कभी कभी मानता नहीं है। हाँ, जब कोई चेला कविताई करता है शिष्य और अपने गुरु का नाम ऊपर देता है तो वहां गुरु के नाम का श्री लगा सकता है। ये नियम है कविताई का आखिरी कली में। कह लक्ष्मी चंद, कह लक्ष्मी चंद जंगल के माँ, कह लक्ष्मी चंद जंगल के माँ तेरी इज्जत का डर हो जा, चढ़े आदमी रहन लाग जा, वो अपना घर हो जा। ओछी मंदी जगह धी किसे नहीं तो मानस की मर हो जा, और चाल तने नगरी में छोड़ दू उड़ा टुकड़े के आशर हो जा। तेरी पेट भर की नत जरूरत, पेट भर की नत जरूरत है, तू ना ऐसी जड़ी बता बेटी। और मुसीबत बड़ी बता गंगा तेरा पानी, जर जर बहता जा, युग युग युग।